अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आर्टिकल, जो के था हमारा 12.4। उसमें हमने जो फर्स्ट एप्लीकेशन सेकंड ईयर की बुक में दी हुई है ज़ीरोग्राफी या फोटोकॉपियर, उसको हमने स्टडी किया। उसका सारा हमने कंस्ट्रक्शन देखी, उसकी वर्किंग देखी। तो आप जो है वो पिछला लेक्चर भी देख सकते हैं अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सेकंड एप्लीकेशन है ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि आप लोगों की बुक सेकंड ईयर की जो बुक है उसके अंदर है, इंकजेट प्रिंटर्स। बच्चे, इंकजेट प्रिंटर्स किसे कहते हैं? इंकजेट प्रिंटर जो है, जो बुक के ऊपर डेफिनेशन उसने लिखी है या सेंटेंस लिखा है इससे रिलेटेड, कि वो प्रिंटर्स जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के दौरान, अपने प्रिंटिंग प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस को यूज़ करते हैं, ऐसे प्रिंटर्स को हम कहते हैं इंकजेट प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर्स की लॉट ऑफ डेफिनेशंस हैं जो कि बिल्कुल तमाम जो है वो ठीक है। कंप्यूटर के अंदर देखें तो इंकजेट प्रिंटर की कोई और डेफिनेशन होगी, फिजिक्स के अंदर जैसे यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। अब एक और डेफिनेशन जो है जो मैंने लिखी है वो है जी, द इंकजेट प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ प्रिंटर विच यूजेस टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक टू प्रोड्यूस इमेज ऑन पेपर। यानी कि एक ऐसा प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होगा जो कि टिनी ड्रॉपलेट्स को यूज़ करेगा ऑफ इंक, यानी कि इंक के टिनी ड्रॉपलेट्स को यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो पेपर के ऊपर प्रिंटिंग करते हैं। अब इन्हीं टिनी ड्रॉपलेट्स को के ऊपर जो बुक वाले ने लिखा है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस को यूज़ करना है, इन्हीं ड्रॉपलेट्स को हमने या तो चार्ज करना है या उन्हें न्यूट्रल रखना है। जब एक को चार्ज, एक को न्यूट्रल, एक को चार्ज, एक को न्यूट्रल, या दो को चार्ज, एक को न्यूट्रल, ऐसे जिस पार्टिकल की हमें ज़रूरत होगी पेज के ऊपर, जिस ड्रॉपलेट की पेज के ऊपर ज़रूरत होगी, हम उसको न्यूट्रल रहने देंगे, और जिसकी ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि जहाँ पे हम चाहते हैं वाइट पेपर है, ब्लैंक पेपर है, वहाँ पे हम उसको चार्ज कर देंगे, फिर उसको गटर के तरफ शिफ्ट कर देंगे, वो गटर की तरफ मूव कर जाएगा। ये फर्दर हम लोग प्रोसेस जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। बेटे, फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंकजेट प्रिंटर, जो आप लोगों की बुक के ऊपर भी डायग्राम बनी हुई है। फर्स्ट बेटा, हमारे पास जो फर्स्ट चीज़ आती है वो है इंक सप्लायर, जो कैटरेज होती है। इंक कैटरेज जो है, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करती है जी, इंक प्रोवाइड करती है। फर्स्ट हमारे पास आ गया इंक सप्लायर। इंक सप्लायर से इंक जो है वो पंप सक करता है। सेकंड जो चीज़ आ गई वो है पंप है, जो कि इंक सप्लायर बॉक्स में से या कैटरेज में से इंक को सक करेगा। और ये पंप जो है यहाँ से इंक ले जाके कहाँ पे देता है, प्रिंट हेड में देता है। और प्रिंट हेड के अंदर इस तरह की नोजल्स लगी होती हैं। ये जो नोज़ल है, एक स्टैंडर्ड प्रिंटर के अंदर 1000 नोज़ल्स भी हो सकती हैं एक प्रिंट हेड के अंदर, और हर वो तमाम नोज़ल जो हैं वो राउंड अबाउट 40,000 ड्रॉपलेट्स जो हैं वो पर सेकंड जो है वो गिराती हैं पेज के ऊपर, या वो भेजती हैं पेज की तरफ। यानी कि इतना फास्ट जो है ये प्रोसेस इंकजेट प्रिंटर का जो प्रोसेस है वो रन करता है। अब बेटा, हम लोगों ने ये पार्ट देखा, नोज़ल है जी ये किसकी, प्रिंट हेड की। चलो इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अब थर्ड हमारे पास हो गई नोज़ल। फोर्थ लेक्स जो हमारे पास पार्ट है इंकजेट प्रिंटर का, वो है चार्जिंग इलेक्ट्रोड। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से, जब इसमें से ये ड्रॉपलेट्स, ये ब्लैक जो हैं, ये टिनी ड्रॉपलेट्स हैं इनके, जब ये गुजरते हैं तो अगर इनको चार्ज करना होगा तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को हम ऑन कर देते हैं। अगर इनको चार्ज नहीं करना, यानी कि हम चाहते हैं कि ये न्यूट्रल रहें, तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो है वो ऑफ रहता है। और वो किसने काम करना है, वो काम करना है चार्जिंग कंट्रोल ने, जिसको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कंप्यूटर की तरफ से। हम कोई भी पेज प्रिंट निकालना चाहते हैं प्रिंटर से, हमने क्या करना है, कोई इमेज निकालना चाहते हैं, हमने कंप्यूटर से जो है वो प्रिंटर को डाटा ट्रांसफ़र कर देना है। अब कंप्यूटर को पता है कि कोई पेज अगर हम निकालना चाहते हैं, कोई वर्ड से हम लोग कोई टाइप किया हुआ राइटिंग हम निकालना चाहते हैं, उसे पता है कहाँ पर जो है ए आना है, कहाँ पर बी आना है, कहाँ पर सी आना है। हर किसी की शेप भी डिफरेंट है, कहाँ पर हमें ड्रॉपलेट चाहिए, कहाँ पर हमें ड्रॉपलेट नहीं चाहिए, कहाँ पर जो है वो स्पेस होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग ये लिखना चाहते हैं जी टॉपर्स,
स्पेस चॉइस। अगर इस चीज़ को हमने प्रिंट करना है तो कंप्यूटर को पता है कि टी और ओ के दरमियान जो है वो कितनी स्पेस होगी, ओ जो है वो अंदर से खाली होगा, टॉपर्स के बाद कितनी स्पेस है चॉइस, यहाँ पे हमें कोई भी जो है इंक ड्रॉपलेट नहीं चाहिए, हल्का सा एक ड्रॉपलेट भी हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। तो ये कंप्यूटर को पता है, जो हमने उसको डाटा दिया हुआ है वो उसी के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन देगा किसको, चार्जिंग इलेक्ट्रोड को। अब बेटा चार्जिंग इलेक्ट्रोड के बाद जो फिफ्थ पार्ट हमारे पास आ रहा है वो है जी डिफ्लेक्शन प्लेट्स। डिफ्लेक्शन प्लेट्स ये जैसे कैपेसिटर के अंदर पैरेलल प्लेट्स होती हैं जिनको चार्ज किया जाता है, वैसे ही इन दोनों डिफ्लेक्शन प्लेट्स को, जैसे CRO आप लोगों ने पढ़ी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उसके अंदर भी डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, एक्स डिफ्लेक्शन प्लेट्स, वाई डिफ्लेक्शन प्लेट्स, जो 10th क्लास के अंदर आप लोगों ने आर्टिकल पढ़ा उसके अंदर भी ऐसे ही हमारे पास डिफ्लेक्शन प्लेट्स थी जिनको हम लोग पोटेंशियल प्रोवाइड करते थे, जिसकी वजह से इन दोनों प्लेट्स के दरमियान, दोनों के ऊपर कॉन्स्टेंट चार्ज हम प्रोवाइड कर देंगे, दोनों के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज्ड पार्टिकल्स को क्या करेगा, इंट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है इनके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कंसीडर कर लें तो ये चार्जेस जो हैं ये पॉजिटिव की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। बेटे डिफ्लेक्शन प्लेट्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो है गटर। गटर जो है ये हमारा जो वेस्टेज ऑफ इंक है, यानी कि जो हमने कहा कि जो जहाँ पे हमें पॉइंट या इंक नहीं चाहिए, नोज़ल का काम यही है, प्रिंट हेड का काम यही है कि जितनी नोज़ल्स लगी हैं वो जैसे मैंने बताया कि 40,000 जो ड्रॉपलेट्स हैं पर सेकंड प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका काम यही है कि नोज़ल ने हर टाइम जो है हर सेकंड के अंदर उसने फॉग जो टिनी ड्रॉपलेट्स हैं इंक के वो भेजते जाना है। अब उस ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड को कंप्यूटर बताएगा, कंप्यूटर किसको देगा, चार्जिंग कंट्रोल को इंस्ट्रक्शंस, इलेक्ट्रोड डिसाइड करेगा जो इसको इंस्ट्रक्शंस मिली होंगी उसके अकॉर्डिंग कि इस ड्रॉपलेट ने इस पेज के ऊपर आना है या गटर के अंदर जाना है, यानी कि इसने पेज के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होना। अब होता कैसे है, कंसिडर कर लें कि हमारे पास जो ये फोग ड्रॉप जो टिनी ड्रॉपलेट है इनका, उसको हम चाहते हैं कि ये पेज के ऊपर ना जाए बल्कि जो है ये गटर के अंदर चला जाए, और यहाँ से ये जो जितनी भी इंक होगी गटर के अंदर वो दोबारा जो है वो इंक सप्लायर के अंदर आ जाती है, ये भी आपने याद रखना है। जी हम बात कर रहे थे कि अगर हम कहें कि इस ड्रॉपलेट को, इस इंक ड्रॉपलेट को हम चाहते हैं कि ये पेज के ऊपर शिफ्ट ना हो, फौरी जो है कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन आई कि इस ड्रॉपलेट को हमने पेज के ऊपर नहीं जाने देना, इस चार्जिंग कंट्रोल ने फौरन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को क्या किया, ऑन कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, और जब ये चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड इंक पार्टिकल जब इन डिफ्लेक्शन प्लेट्स के अंदर से गुजरेगा तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पार्टिकल को क्या करेगा, इंट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और वो किस तरफ मूव कर जाएगा, वो गटर की तरफ मूव कर जाएगा, यानी कि हमारा ये जो ड्रॉपलेट है ये पेज की बजाय कहाँ पे चला जाएगा, गटर के ऊपर चला जाएगा, गटर के अंदर चला जाएगा, यहाँ पे जितनी वेस्ट इंक जो है वो दोबारा अगेन वैसे ही हमारे इंक सप्लायर के अंदर आ जाएगी। बेटा ये थी हमारी इस इंक जेट प्रिंटर की वर्किंग। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्या होगा हमारे पास, या वर्किंग प्रिंसिपल जो मैंने लिखा हुआ है वो मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। कहता है एन इंक जेट प्रिंट हेड इजेक्ट्स ए स्टेडी फ्लो ऑफ इंक ड्रॉपलेट्स, कि ये जो है फ्लो कंटिन्यूस होता है, और ये प्रिंट हेड जो है वो कंटिन्यूस, जैसे ही हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि ये चीज़ प्रिंट कर दो, नोज़ल जो है प्रिंट हेड की जितनी भी नोज़ल्स हैं वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो भेजना शुरू कर देते हैं। अब इस नोज़ल के बारे में एक चीज़ याद रखें बेटा, ये जो नोज़ल है प्रिंट हेड की नोज़ल, ये एक ख़ास तरह के मटेरियल से बनाई जाती है, ख़ास तरह के एलिमेंट से बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट।
बेटे पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जब इनके अक्रॉस पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि इनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होती है। कि अगर हमारे पास कोई ये एनिमेशन भी मैं इस लेक्चर के लास्ट में ऐड कर दूंगा, उसके अंदर इंकजेट प्रिंटर की कंप्लीट वर्किंग जो है वो दिखाई गई है और पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट का भी कॉन्ट्रैक्शन भी दिखाई गई है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई जो है पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट है, अगर ये इसके क्रॉस हमने जो है वो पोटेंशियल अप्लाई कर दी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जैसे ही हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये जो है वो दरमियान से जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, या तो ये इस तरफ को मूव करेगा अंदर से जो है ये चिपक जाएगा, दोनों ये जो इस एंड्स के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होगी, दोनों जो हैं वो ऐसे अगर हम ब्रेक जो है वो कोई लेना स्ट्रिप ले लें, जब उसको हम प्रेस करते हैं दोनों एंड्स से तो वो बेंड हो जाती है। सेम टू सेम ये पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स भी ऐसे ही बेंड हो जाते हैं। इसके साथ हम लगाते हैं वाइब्रेशन प्लेट्स, जो जब जैसे ये पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट ये कंट्रैक्ट होगा वाइब्रेशन प्लेट्स क्या करेंगी, आगे की तरफ मूव करेंगी और नोजल में से एक ड्रॉपलेट जो है वो निकल जाएगा। ऐसे ये कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, आप लोग लास्ट के अंदर एनिमेशन के अंदर भी क्लियर देख सकते हैं। बेटे अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट हमारे पास पार्ट इंक सप्लायर है, सेकंड पंप है। पंप क्या करता है जी, इंक सप्लायर से इंक को सक करता है। अब पंप जो है सक करने के बाद कहाँ पे दे रहा है, प्रिंट हेड को दे रहा है, वहाँ पर जितनी भी नोज़ल जो हैं वो स्टेडी फ्लो जो है इंक ड्रॉपलेट्स का बनाती हैं, या इंक को जो है ड्रॉपलेट्स की फार्म में भेजना शुरू कर देती हैं, किस तरफ, पेज की तरफ। अब बेटे हमारे इन ड्रॉपलेट्स के नोज़ल से निकलने से शुरू होके, यहाँ से नोज़ल से शुरू होके पेज तक जाने के दौरान दो पार्ट्स दरमियान में आते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स और सेकंड डिफ्लेक्शन प्लेट्स। अब जैसे बता दिया कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो है वो क्या करता है, किसी भी ड्रॉपलेट को चार्ज कर सकता है, या इसको कौन बताएगा कि किस पार्टिकल को चार्ज करना है, किसको न्यूट्रल रखना है, किसको चार्ज नहीं करना, वो बताएगा चार्जिंग कंट्रोल, जो कि अटैच है किसके साथ, कंप्यूटर के साथ, जिसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कौन, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के अंदर चूँकि हमने डाटा दिया हुआ है कि ये पेज ये इमेज हमने कॉपी करनी है, कंप्यूटर को पता है कि पेज के किस पॉइंट के ऊपर इंक ड्रॉपलेट जो है वो फॉल करवाना है, किस पॉइंट के ऊपर इंक ड्रॉपलेट फॉल नहीं करवाना। अब कंसीडर किया हमने कि ये ड्रॉपलेट हमें पेज के ऊपर नहीं चाहिए, हम क्या, अब चार्जिंग कंट्रोल क्या करेगा, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन कर देगा, इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। जब ये चार्ज इन चार्ज्ड प्लेट्स के अंदर से गुजरेगा तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसको क्या करेगा, इंट्रैक्ट करेगा और ये मूव कर जाएगा किसकी तरफ, गटर की तरफ। और यहाँ पर जितनी भी सप्लाई है, जहाँ पे जितनी भी इंक इकट्ठी होगी गटर के अंदर, वो तो अगेन किसको दे दी जाती है, इंक सप्लायर को। और ऐसे ही जो पार्टिकल हमें इंक ड्रॉपलेट चाहिए वो न्यूट्रल रहेगा, वो नेक्स्ट जाके पेज के ऊपर चिपक जाएगा और हमारी जो है वो इमेज क्रिएट हो जाएगी। और इसका प्रिंसिपल भी जो लिखा हुआ है अगेन पढ़ने लगा हूँ, एन इंकजेट प्रिंट हेड इजेक्ट्स ए स्टेडी फ्लो ऑफ इंक ड्रॉपलेट्स, द चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड टू चार्ज द ड्रॉपलेट्स दैट आर नॉट नीडेड ऑन द पेपर, के चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स उन पार्टिकल्स को, उन ड्रॉपलेट्स को चार्ज करेंगे जो हमें पेज के ऊपर नहीं चाहिए। चार्ज्ड ड्रॉपलेट्स आर डिफ्लेक्टेड इनटू ए गटर बाय द डिफ्लेक्शन प्लेट्स वाइल अनचार्ज ड्रॉपलेट्स मूव स्ट्रेट ऑन टू द पेपर, क्योंकि जिसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है, उसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वो दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी, जो आपस में दोनों एक दूसरे के ऊपर ना तो कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव अट्रैक्शन लगाएंगे ना ही रिपल्सिव लगाएंगे, वो स्ट्रेट गुजर जाएगा, न्यूट्रल पार्टिकल स्ट्रेट पेज के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। बेटे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, इसका सारा प्रोसेस जो है नेक्स्ट एनिमेशन अंदर भी आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। Epson's piezo printheads are driven by piezoelectric elements which contract when voltage is applied. Each piezoelectric element is paired with a vibration plate
to form a set. The contracting piezoelectric element moves the vibration plate to generate an inkjet mechanically, with no need to heat the ink. Each printhead contains densely arranged rows of these sets, with each one firing precisely the right amount of ink at precisely the right place, more than 40,000 times a second. As no heat is generated, this mechatronic technology can be used with a broad range of ink and media, and delivers accurate, high-speed printing with outstanding durability. Epson utilizes this technology throughout its printer range.